अब यहाँ से होल किया जा रहा है इससे। ड्रिल में तो गाइस फाइनली खुल गया, यहाँ से इतना बड़ा पूरा अंदर से यहाँ से होल किया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल्सो, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बस यार, अभी जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का हो रहा है। आज मैंने काफ़ी लेट ब्लॉग स्टार्ट किया, तो बस अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मार्केट मम्मी के साथ, थोड़ा बहुत सामान ईद की, मतलब आधे ज़्यादा शॉपिंग की चल रही है तो ईद का ही सामान लेने जाना है। उबैद के लिए थोड़ा बहुत और कपड़े चलते हैं। खैर आपको क्या करना है, हमेशा की तरह इस ब्लॉग को ऐसे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो बस गाइस अभी आ चुके हैं मार्केट। भीड़ देखो, भीड़ कितनी है। सो गाइस अभी यहाँ थोड़ी बहुत मम्मी सामान देख रही है, मम्मी को अपना भी सामान लेने का ना। सो यहाँ सामान ही देखा जा रहा है, क्या तगड़ी गर्मी हो रही है, हर तरफ भीड़ यार। इधर गर्मी इतनी हो रही है ना, तो बस अभी भी घूम फिर के थोड़ा बहुत ले रहे आगे, और मैं जा रहा हूँ आगे अपनी बाइक को उठाने। भीड़ गाइस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत। ईद का मतलब ईद के लिए सब आए शॉपिंग करने ना, इसके लिए। हमारी गाड़ी तो वहाँ आगे खड़ी है खंबे के पास। ये रही, मेरे को तो फिक्र हो रही थी कहीं कुछ हो ना गए, वो गाड़ी यहीं पर खड़ी है। सो बस गाइस अभी यहाँ से पाइनएप्पल लेने के लिए रुके, और यार क्यूट सी बच्ची दिखी, कितनी क्यूट है, मेरे साथ खेल रही है, कभी खुद में बिजी हो रही है तो कभी खेल रही है। सो गाइस जो भी शॉपिंग का काम था वो सब करके आ गए, और अभी जो हम लोग ऑटो लेके आए, क्योंकि अभी हम लोग डिलीवरी पे गए थे तो डिलीवरी पे जाके आ चुके हैं, और आज हमारा प्लान है पूल जाने का। तो आज निखिल के साथ, निकिता भी आने वाली है उसकी छोटी बहन, तो चलते हैं। तो अंकल हमारे भरोसे पे, मेरे भरोसे पे ही भेज रहे कि ध्यान रखना, कि उसका भी मन कर रहा था निकिता का, तो हम लोग बोले चलो लेके चलते हैं। तो आज का आज जाने का प्लान है, तो अभी जाएंगे। बस एक दो जन का माल है वो लेने गए, तो जाते जाते ही माल भी दे देंगे और मज़े भी कर लेंगे। पसीना देखो कितना आ रहा है। सो कुछ इतने लोग हैं और सब लोग जाने करना, और अहमद की भी बात हो गई, ये बेचारा वहाँ बैठने के लिए जा रहा है। सो गाइस आ गए और ऑटो कर दी वहाँ पर। तो इस बार जो है गाइस मैं ज़्यादा शूट नहीं ले पाऊँगा पूल के, बिकॉज आज मेरा फ़ोन कवर के अंदर नहीं है, आई मीन वो प्लास्टिक कवर में नहीं है, तो फ़ोन ख़राब होने के चांसेस है। सेल्फी में क्या रहे सो बस गाइस अभी जाके आ चुके, तो मैंने शूट नहीं लिए बिकॉज फ़ोन जो पानी के अंदर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एंड मैं कुछ भी लगा के नहीं लेके गया था। इसके लिए अभी सीधा घर पर आ गया, इफ्तारी भी हो चुकी है, बस थक गया लिटरली। मतलब स्विमिंग पूल से जाने के बाद है ना, आके सीधी इतनी तगड़ी वाली नींद आती है ना मेरे को, मैं तो सो भी नहीं सकता। मेरे को अभी पहले जाना है दुकान पर काम से, फिर आज रिटर्न जाना है, कुछ मतलब चेंज वेंज करने जाना है, तो चलते हैं सबसे पहले दुकान का काम देख के आते हैं। सो गाइस दुकान नहीं गए, दुकान से जो हम लोग सीधा है यहाँ पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं आला हजरत के पास से, बिकॉज गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी नहीं है, कम है। सो गाइस पेट्रोल पंप आ गए, यहाँ इतनी लंबी लाइन, वो साइड में भी बहुत लंबी लाइन है, इसके लिए हमको ये वाली लाइन चूज़ करनी पड़ी। सो बस गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो सामान वामान ले लिया, बस अभी जाएंगे बाइक से जाएंगे। गाइस हमारी जो हम लोग जीन्स चेंज करवाने आए थे, तो ये वाली छोटी दे दी थी एक, ये वाली थी हाँ वो वाली छोटी दे दी थी, तो हम लोग को एक नंबर बड़ा, दो नंबर बड़ा चाहिए था, दो नंबर ही आता ना, एक नंबर नहीं आता, तो वो दो नंबर छोटी थी, तो अब दो नंबर बड़ा देख रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग ने एक ये शर्ट पसंद की है, पे ये वाली जो इसके एक्सचेंज में जो हम लोग ने ये वाली ली है, ये वाली ग्रैंडमार्क कंपनी, मस्त है। कलर कैसा बताना, कलर कैसा है, मेरे को तो बहुत मस्त लगी। बाकी जीन्स देख रहे, हाँ ये जीन्स भी मैंने ली है, मस्त। ये कौन सी है, ये कलर ब्लैक। सो बस गाइस अभी यहाँ पापा के लिए बेल्ट ले रहे, मेरे लिए तो कल ही ले ली, पापा के लिए बेल्ट ले रहे। यहाँ पे जो आपका मतलब जो लाइटर होता है वो रिफ़िल भी होता है, तो फेंकने से अच्छा आप यहाँ पे रिफ़िल आके करा सकते हो, आई डोंट नो फ्री में होता है क्या। सो गाइस यहाँ पे अंकल से अभी मैंने पूछा, तो अंकल बता रहे कि लाइटर की जो रिफ़िलिंग होती है वो 5 रुपये में होती है, तो आपको 10 रुपये का न्यू लाइटर खरीदने की मतलब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है 5 रुपये, और उससे आप 2 बार रिफ़िल करवा लोगे, तो बता दो।
ले सकते हो आके इधर। और गाइस यहाँ पे दूसरी पूजा भी दिखी है, तो ये वाली पूजा पे नहीं आना आप लोग, पीछे वाली पूजा पे जाना जो स्टेशन से थोड़ा आगे आके ही है, अब निकलते हैं आगे। सो बस गाइस अभी रिटर्न जो हम लोग खा लेंगे यहाँ पे, हाथ में बाहर सामान है, कैसे देख रहे हैं नहीं खेलता हुआ दिख रहा है घर में, क्या ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से ऊपर हो कैसे बढ़िया, तमीज से बात कर। गाइस देखो इधर कितना चालू है सब, ये कांड हो चुका है, दरवाजा लॉक अच्छा का तो सोच के आए थे यहाँ के दरवाजा लॉक सब इसकी गलती है, यही था जिसने गलती की इतनी, सबसे बड़ी गलती है इसकी। सो गाइस यहाँ से जो है थोड़ा बहुत मिरर इफेक्ट आ रहा है, तो मिरर इफेक्ट में देख सकते हो ये घर, यहाँ पे से इतना ही मिरर इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से होल क्या जा रहा है इससे, ड्रिल मशीन से छोटा सा होल होगा, इससे बड़ा पूरा वैसे ड्रिल मशीन से बहुत पता लगता है, मुझे थोड़ी पता है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे। तुम्हें ड्रिल मशीन से नहीं नहीं लेके आओ, ड्रिल मशीन से तो दो होल मेरे पास है, होल हो जाए कि अलीश का हाथ चला जाए। ड्रिल मशीन से कुछ नहीं होगा, ड्रिल मशीन मेरे पास भी है, नहीं होल करने के लिए वो कुनेसी वगैरह के लिए। पीछे क्या लगा है इसके, पीछे क्या लगा हुआ है, दीवार है कैसे लगा हुआ है, नहीं टाइल नहीं है दीवार है। अलीश 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 पसीने में ये हाल हो गया। तो गाइस फाइनली खुल गया, यहाँ से इतना बड़ा पूरा अंदर से यहाँ से होल किया, सब खुश हो रहे थे। तू क्यों खुश हो रहा है, अभी तो पिटने वाला है, रुक जा इतना बड़ा होल पी क्या है दीदी, ये देखो इतना बड़ा पूरा इतना बड़ा पूरा होल थी। कड़ी का क्या हाल चाल है, कड़ी का क्या हाल चाल है, कड़ी तेरी कितना ठोका है, ये देखो ये निकल रहा था इसका, ये देखो पूरी यही निकल गई होता है होता है, हो गया कम से कम सही। तो अब यहाँ पे सीमेंट भरना पड़ेगा। फाइनली गाइस अब जाके जो है खुला, काफ़ी मेहनत के बाद। चाचा है तो चाचा ने भी आके हेल्प की, और मतलब जो पड़ोसी है यहाँ पे तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की, तब जाके टूट के खुला है, यहाँ से हाथ डाला बाहर से। अभी पता चलेगा, पापा बताएंगे, हरकत ही लॉक किया और खुश भाई, यहाँ से पूरा ऐसे हॉल किया चीनिया थोड़े से, अब जाके खुला है। ओ, अभी तुझे पापा भरने वाले, इतना भी खुश मत हो, पूरी झाड़ू मारी जा रही है खाले की। सुहाना का घर लॉक चाचा बस यहाँ पे काम करते हैं, इसके ऊपर वाइट वाइट वाला सीमेंट लगा रहे ताकि रात तक के लिए रुक जाए, रात का टाइम है ना, रात तक के लिए काम हो जाए बस। बाहर से भी है चाचा, यहाँ से ज़्यादा ताकत मत लगाओ, कभी फिर पीछे से बाहर निकल जाए। सो बस गाइस हम लोग घर पर आ गए थे, एंड खा पी के जो हो चुका अपना और सोने का टाइम हो गया, याद ही नहीं रहा ब्लॉग का, तो बस अभी एडिटिंग करने लेट हूँ, फटाफट एडिट कर लेते हैं ब्लॉग, इतना 12 बज रहे अभी एडिट कर लेते हैं पहले ब्लॉग। अभी जो गाइस टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:36 हो रहा है, तो बस अब जाके मेरी एडिटिंग फिनिश हुई, 12 बजे में लगा था अब जाके एडिटिंग फिनिश हुई, तो बस अब फटाफट इसको अपलोड पर लगाना है। फिर आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा, इसलिए उसको कैसे लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्या मिल जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।